नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मक्सी, सोमवार का दिन मक्सी थाने के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां पर थानापति हनुमान मंदिर में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और शिव पार्वती जी, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी और नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद का लाभ लिया। आपको बता दें कि मक्सी थाना प्रभारी गोपाल सिंह चौहान एवं थाने परिसर के आसपास मोहल्ले वासियों, हिन्दू समिति ने विशेष योगदान दिया है। थाने के आसपास शिव मंदिर नहीं होने के कारण महिलाओं को शिवलिंग पर जल चढ़ाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब थाना परिसर में हनुमान मंदिर में सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होने से भक्ति की राह अब आसान हो गई है। इस पुनीत कार्य में मक्सी टीआई गोपाल सिंह चौहान, एसआई दीपेश व्यास और थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा। मक्सी से भरत पटेल। सब कैसा लग रहा है, मूर्ति स्थापना हुई है आज? बड़ा उल्लास का विषय है। इस थाने पर लोग आने से घबराते हैं, थाने के नाम से जहाँ लोग डरते हैं, आज वहाँ पर चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। भगवान श्री राम जी अपने परिवार सहित, भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित और हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। हमारे थाने के हमारे टीआई साहब आदरणी चौहान साहब की प्रेरणा से आज ये जो उल्लास का वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वाकई इस क्षेत्र में भगवान राम का और भोलेनाथ का मंदिर नहीं था, महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता था। थाने के लोगों ने और टीआई साहब ने मिल करके ये जो एक पुनीत कार्य किया है, उसके लिए मैं पूरे मक्सी थाने स्टाफ की, आदरणीय टीआई साहब की, शाहजहाँपुर के पुलिस कप्तान की, उन सब की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। पूरे मक्सी वासियों की ओर से और हिंदू समितियों की ओर से पूरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, हमारे सामने एक कॉलोनी है, इसके कुछ गणमान्य नागरिक और महिलाएँ, घर वालों महिलाएँ जिन्हें कह सकते हैं, उनको शिव आराधना के लिए कोई स्थान उनके पास नहीं होने की वजह से उन्हें एक दिन में से ऐसे ही सौ एक से बोला कि शिव मंदिर की यहाँ अगर सामना हो जाए तो सबको बड़ी सुविधा होगी, नहीं तो नजर शिव माता को दूर तक जाना पड़ता है। तो उस दिन से फिर हम लोगों ने स्टाफ में चर्चा करी, स्टाफ के परिवार वालों चर्चा करी, कॉलोनी वालों चर्चा करी, तो सब ने एक मन बनाया कहीं शिव परिवार की स्थापना की जाए। तो हमारे स्टाफ वालों ने बोला कि नहीं, राम दरबार की स्थापना की जाए। तो परिवार के सहयोग से, गाँव के लोगों के सहयोग से और गणमान्य लोगों के सहयोग से और जो हमारी हिंदू उत्सव समिति है उन लोगों के सहयोग से सभी लोगों का मन था कि इसको अच्छा सा एक आयोजन किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये सब काम सफल हुआ है, सफल हो ही कृपा है और सब अच्छे से चल रहा है। मक्सी से खबर समय जगत के लिए भरत पटेल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।